यूएफटी न्यूज 24 से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, यूएफटी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। रुक करते हैं कुछ खास खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के खानपुर में 6 महीने से किया जा रहा था एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म। थाना खानपुर के गांव शेखपुरा का एक और शर्मनाक मामला सामने आया, जहां एक पुलिसकर्मी धमकी का सहारा लेते हुए 6 महीने तक एक नाबालिग के साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा। नाबालिग के गर्भवती होने पर परिजनों को घटना की जानकारी मिली तो पिता ने खानपुर पुलिस स्टेशन में इस मामले की शिकायत दर्ज करवाई। पीड़िता ने आरोपी की दादी पर धोखे से बुलाकर बलात्कार करवाने का आरोप लगाया है। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि दादी फिलहाल मौके से फरार हो गई है। खानपुर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। खानपुर से मुकेश लोधी की रिपोर्ट। इसने घर में धोखा दिया। क्या महीना पुराना मामला है? 5-6 महीना। तो आपकी अपने परिवार से इसकी शिकायत नहीं करी थी? इसने धमकी दे रखी थी। किस प्रकार की धमकी दी थी? मैं तुझे मार दूंगा जान से, अगर तेरे घर जाकर बता दी तो। अच्छा, ये बताओ कि आपके कोई फोन करता था क्या ये? हाँ, ये 2-3 बार मिलाया। अच्छा, घर के फोन पर आप करें? हाँ। इसकी शिकायत आपने खानपुर थाने में करी है? हाँ। अच्छा अच्छा, मेरे साथ रोक लो। अच्छा, आरोपी कौन है? पापा। अच्छा, कहाँ का रहने वाला हूँ? सिद्धपुरा। अच्छा, आपकी उम्र कितनी बार? 16 वर्ष। कौन सी कक्षा के छात्र थे? 8। अच्छा, कहाँ पढ़ती हो? क्या मामला है ये आपका? जरूर मामला है ये, इसकी दादी लगे है इसे, ये धोखे से लिवा के ले गई है। अच्छा, क्या नाम है? क्या नाम, कौन लिवा के लेगा धोखे? समंतरा। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? तो इसने वो लड़का दुबका रखा था और इसी हाल में बलात्कार कर दिया। अच्छा, बलात्कार करने वाले का नाम क्या? बाबू। अच्छा, इस जैसे 4 महीना पुराना मामला है तो इसकी भनक आपको कैसे पड़ी है? भनक ऐसा पड़ी कि इसकी हमने जो इसके पेट में बच्चा था। अच्छा, इसलिए हमें जाते। अच्छा, आपने इसी को तहरीर थाने में दी? थाने में इसकी कोई शिकायत करी आपने? आपसे पहले अपना थाने में आपसे पहले आप करिए। अच्छा, तो किस किस धारा में मुकदमा पंजीकरण हुआ? धारा में? हाँ। अच्छा, ये बताइए पुलिस ने क्या कार्रवाई की अब तक? पुलिस ने कार्रवाई ये करी कि वो रिपोर्ट लिख के उसे जेल भेज दिया। तो इसमें दादी भी आरोपी है? हाँ, दादी भी आरोपी। दादी को भी उठाया क्या पुलिस ने? अभी उठाया ना, उठा ले, आई थी पुलिस, वो भग गई। आपके पड़ोस में ही रहने वाला है? हाँ, पड़ोस में ही रहने वाला वो है, पड़ोसी ही रहने। सर, एक मामला सामने आया खानपुर थाने के शेखपुर गांव का, रेप का मामला। सर, क्या है मामला? ये एक शिकायत आई थी ये नाबालिग लड़की के साथ उसके पड़ोसी द्वारा दुराचार की घटना के संबंध में शिकायत थी, और जिसके संबंध में थाना खानपुर पर अभियोग पंजीकृत कर बलात्कार एवं पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया और विवेचना आरंभ की गई, और इसमें जो है नामजद अभियुक्त को आज थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। सर, ये क्या जानकारी है, रेप की घटना कब की है? सर, इसमें उसके द्वारा अंकित किया गया कि वो काफ़ी टाइम से, उसने कोई दिनांक या तिथि निश्चित नहीं है, जो उनकी तहरीर है उसमें अंकित किया गया कि ये का पिछले कुछ दिनों से उसके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा था। एक मामला, एक नाम सामने आया, एक महिला का भी इसमें प्लानिंग के तहत नाम आ रहा है। ये वो विवेचना का विषय है, इसमें अभी विवेचना हमारी चल रही है, और उसमें अगर कोई और इसमें दोषी आता है या किसी की प्लानिंग जैसे होती है तो उसके विरुद्ध जो है नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जब मुकदमा जो पंजीकृत हुआ, सिंगल नाम के सर अकेले नाम हुआ है? जी हाँ, मुकदमा एक आदमी के नाम पंजीकृत हुआ जिसको जो है गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। थैंक यू। इस खबर में बस इतना ही। यूएफटी न्यूज 24 के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।